अपराधियों को पुलिस प्रशासन और सरकार का कतई डर नहीं बचा है, इसलिए आजकल नाबालिग बच्चे भी अपराध की बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। दरअसल मामला विदिशा जिले की गंज बासुदा का है, जहां पांच दोस्तों ने अपने ही दोस्त की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया। बच्चे के लापता होने के कारण परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। दूसरे दिन गुमशुदा बच्चे की लाश एक कुएं में पाई गई, जिसके मिलने के बाद शहर में अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस ने घटना में शामिल पांच नाबालिग लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी कर दी है। पुलिस ने बताया कि अपराधियों ने अपना जुर्म कबूल किया है, लेकिन आगे भी मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद मृतक बच्चे के परिजनों ने और लोगों ने एकजुट होकर पुलिस प्रशासन को अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए आवेदन सौंपा है। विदिशा जिले में आए दिन ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्त कार्यप्रणाली के बावजूद भी अपराधियों के अंदर कोई डर नहीं दिखाई दे रहा है। अपराधी सरेआम लूटपाट, जानलेवा हमला सहित हत्याओं की घटना को अंजाम दे रहे हैं। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। ये थी कि वो पहले से ही पैसे की अड़ी रखते होंगे, जब उनके पिताजी का व्यवसाय वो है ना, हाँ कैटरिंग वाला काम है, तो बेचारा तब वो नहीं कर पाता, छोटा सा बालक था, बालक के साथ सही करते रहते तो पैसा वैसा की लेन देन किया। अपहरण टाइप का है लग रहा मुझे, कच्चे भोपाल के साथ के लोग समझ रहा है। ठीक है, पंचमा वसुधा का रहने वाला है, इसके ही दोस्त दीपेश विश्वकर्मा जो इसका पड़ोसी है, थोड़ी दूर के लोग इसका मकान है। कल शाम को 5 बजे के लगभग पवन कुशवाहा के साइकिल में दीपेश विश्वकर्मा ही बोला कि चलो घूम कर आते, और घूमने के बहाने इसको गमाखर तरफ ले गया, और वहाँ पर अजय चंदेल, अनिल कुशवाहा, निखिल प्रजापति और शुभम नामदेव पूर्व से ही इंतजार कर रहे थे, और जैसे ये वहाँ पर पहुँचा है गमाखर के पास में एक पोखर है, पहुँचने के बाद में अजय चंदेल नामक व्यक्ति ने जो मृतक है पवन कुशवाहा उसके पीछे पत्थर मार करके उसको मार दिया, जिससे बच्चे लहू लुहान हो गए, और इसके बाद पवन कुशवाहा के साइकिल में उसको रस्सी से बांध करके वहाँ पर एक पोखर है, पोखर में इस बच्चे को डाल दिया गया। जैसे ही इसकी सूचना प्राप्त हुई कि ये बच्चा गुम हो गया है, तो कल शाम को ही थाना देहात बासुड़ा में अपराध क्रमांक 407 धारा 366 कायम कर इसकी त्वरित विवेचना स्टार्ट PI साहब के द्वारा किया गया, जो भी साहब उसके मार्गदर्शन किया, और हमने पांच लड़कों से जो साथ में देखा गया था दीपेश विश्वकर्मा, उससे पूछताछ के दौरान ये पांच लड़कों का ग्रुप था जिन्होंने बच्चे को उसके पिताजी से 15 लाख रुपये देना चाह रहे थे, जिसकी वजह से इस बच्चे को अपने साथ में ले गया और इसके बच्चे के साथ में एक घटना घटित करके उसको पानी में डाल दिया था। आज सुबह हमने मौके पे जा करके पवन कुशवाहा जो मृतक है उसको निकाल करके उसका विधिवत नियम कराया, डेड बॉडी उनको परिवारजनों को सुपुर्द कर दिए हैं, और ये पांचों आरोपी अपने पुलिस हिरासत में हैं जिन्होंने अपने जुर्म कबूल कर लिए हैं, और इनसे और पूछताछ हम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।